नमस्कार, आई एम अजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। माय व्हाट्सएप नंबर इज +91 933 411 2316। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द मेकिंग ऑफ योर डिजायर्ड सॉन्ग्स ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल। आई कैन मेक फॉर यू ऑन एनी स्केल विच यू वॉन्ट। मैं आपके लिए बना सकता हूं वीडियो ट्यूटोरियल जिस स्केल में भी आप चाहें, छोटी बांसुरी, बड़ी बांसुरी, और किसी भी प्रकार के राग गानों के लिए, रिलैक्सेशन म्यूजिक के लिए आई कैन प्रोवाइड दिस। इन दिस टाइम आई एम प्रेजेंटिंग रिलैक्सेशन म्यूजिक। मुझे किसी ने इसके बारे में कहा कि आप क्या बना सकते हैं रिलैक्सेशन म्यूजिक स्पेशली मेरे लिए, तो ये उसका एक डेमो वर्जन है। आप भी चाहे तो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं रिलैक्सेशन म्यूजिक। कैसे बनाए इसके लिए मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। सिंपली आप इसको देखें और घर बैठकर इसका आनंद लें। ये एक डेमो वीडियो है रिलैक्सेशन म्यूजिक खुद बनाने के लिए। आप चाहे तो आराम से इस पर और भी काम कर सकते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है रिलैक्सेशन म्यूजिक वीडियो नंबर 1। सबसे फर्स्ट मैंने ये ई बेस फ्लूट लिया है इस काम के लिए, जिसे श्री सुभाष ठाकुर जी ने बनाया है, और दिस फ्लूट इज वेरी वेल ट्यून्ड एंड वर्ल्ड क्लास फ्लूट। सो इफ यू हैव एनी डिजायर to play this flute, you must order this flute and enjoy the well-tuned flute of Mr. Subhash Thakur. Now, मैं आपको बताऊंगा कुछ पीस है जिसको मैं बता देता हूं, और उसको फिर हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे से जोड़ेंगे। इसको तानपुरा पर जो बज रहा है वो है डी शार्प स्केल, और बांसुरी पर बांसुरी मेरे पास है ई बेस की। तो आपको बजाना है सबसे पहला, इसमें कुछ ही नोट्स है, नी, पहला नोट्स है इसमें नी, रे, गा, पा, धा, नी, फिर ऊपर का रे, फिर ऊपर का गा। हम यहीं तक आएंगे और यहीं तक जाएंगे, फिर वापस में भी उसी तरह आता है गा, रे, शुद्ध नी, धा, पा, गा, रे, नी, लोअर ऑक्टेव का जो नी और धा पा। आप चाहे तो नोट कर ले, जो पहला नोट्स है सिंपल है नी रे गा, ये एक नंबर पर रख रहे हैं। दूसरा है गा रे नी, ये एक स्वरों की श्रृंखला है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला पीस नी रे गा, दूसरा पीस है गा रे नी, तीसरा पीस है पा धा नी, चौथा पीस है गा पा धा नी। ये चार स्वर श्रृंखला है, इनको हम पहले बजाते हैं, आराम से बजाएंगे। आपके पास सांस की पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास जितनी 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड जितनी भी कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी यूज करेंगे। मैंने आपको पहले बताया मात्र चार हमारे पास स्वरों की श्रृंखला है, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स है, बस उनको आपको पहले बजाना है। तानपुरा पर डी सात लगा रखा है, फर्स्ट स्ट्रिंग मा रखा है मैंने। पहला पीस है नी रे गा, तो आप आराम से पहले मैंने बताया नी को पहले एक ब्लोर कीजिए, फुल ब्लोर जस्ट लाइक दैट। इसके बाद आता है पहला कॉम्बिनेशन नी रे गा, दूसरा पीस है गा रे नी, तीसरा
तीसरा पिस है पा धा नी। चौथा पीस है गा पा धा नी। हर पीस को आप आराम से बजाएं बिल्कुल रिलैक्स होकर। ये रिलैक्सेशन म्यूजिक आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप पहले रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि जब आप रिलैक्स होंगे तभी आपकी म्यूजिक भी रिलैक्स होगी। आराम से पूरे एक सांस में बजाइए और एक पीस बजाने के बाद दूसरे पीस के लिए आप आराम से 3 से 4 सेकंड ठहरिए। हड़बड़ी नहीं करना है, ये रिलैक्सेशन म्यूजिक है, इसलिए बिल्कुल आप पीसफुली जब बजाएंगे तो पीस महसूस करेंगे। अब आपने हम लोगों ने चारों पीस को अलग अलग बजा दिया। अब हम करते हैं चारों पीस के लिए एक संख्या है 1 2 3 4। हम करेंगे नीरे ग, यहां पर एक नंबर पर है तो नीरे ग को बजाएंगे, लेकिन इस बार अलग ढंग से हम गणितीय संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1+1। हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। इस एक नंबर को आप पहले एक नंबर से जोड़ेंगे, फिर 2 नंबर से, फिर 3 नंबर से, फिर 4 नंबर से। इसमें क्या करना है कि एक ही सांस में हमें बजाना है, यानी नीरे ग, यानी एक नंबर 1+1 जो है उसको नीरे ग बोलेंगे, लेकिन एक ही सांस में बजाएंगे। जैसे मैं बजा रहा हूं, देखिएगा हमारे पास जितनी कैपेसिटी है उतनी देर में कहेंगे, थोड़ा फास्ट हो सकता है, कोई दिक्कत। आपने देखा ये टूटा हुआ नहीं था, मैं नीरे ग बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं चाहिए इसमें। अब एक नंबर को 2 नंबर से जोड़ते हैं, एक नंबर पर है नीरे ग, 2 नंबर पर है हमारे पास गरे गरे नी, तो नीरे गरे गरे नी। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे, बेहतर होगा कि आप, मैंने जो 4 नोट्स बताए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नोट, आप सामने लिख लें और उसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दे दें, तो इस वीडियो को फिर समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप वो पेज देखेंगे और फटाफट आप उसे जोड़ना शुरू करें। तो हमें करना है अब 1+3 नीरेगा पाधा ने। आपने देखा मैंने एक सांस में ही लिया, आपकी सांस जितनी बड़ी हो उसी के अंदर में आपको उसको सेट कर देता है। अब 1+4 है नीरे का गा पा धा नी। हर कॉम्बिनेशन के बाद आपको 3 से 4 सेकंड का ठहराव लेना है, आपको पीस को महसूस करना है, तब आपके बांसुरी में पीस उत्पन्न होगा, शांति उत्पन्न होगी और आपके मन को भी शांति मिलेगी। अब आते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। अब यह है 2 नंबर गरे गरे नी। इस गरे गरे नी को सबसे जोड़ देंगे, पहले गरे गरे नी को गरे गरे नी से ही जोड़ेंगे और उसके बाद फिर 2 नंबर पर जो है, फिर 1st नंबर पर है, 3rd नंबर पर है, उसको जोड़ेंगे। यानी अब कॉम्बिनेशन है 2+1 का गरे गरे नी नीरे का। अब कॉम्बिनेशन करेंगे 2+2 का गरे गरे नी गरे गरे। अब कॉम्बिनेशन करेंगे 2+3 गरे गरे नी पा धा नी। अब कॉम्बिनेशन करेंगे 2+4 का गरे गरे नी
गा पाता नहीं। हमेशा ध्यान रखेंगे आपके एक ही सांस में दोनों कॉम्बिनेशन आ जाने चाहिए। सांस टूटता है तो उसको कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा नोट्स को फास्ट कह देगा। चलिए अब आते हैं 3+1 पर। 3 पर है हमारा पाधानी और 1 पर है हमारा नीलेगा। 3+1 3+2 पाधानी गाले गाले। अब आता है 3+3 के बाद। अब 3+4 ले रहे पाधानी गा पाधानी। अब करेंगे 4+1 यानी गा पाधानी नी रे। यहां पर थोड़ा फेरबदल करना चाहे तो कर सकते हो ना। नीरेगा ध्यान देखिएगा, एक नीरेगा नीचे ले रहे हैं एक नंबर पर, उसको आप हाई पिच में आपकी मर्जी हो तो जा सकते हैं इस तरह से। थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा और थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी ऑक्टेव पर जा सकते हैं। यह रिलैक्सेशन म्यूजिक है और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कहां किधर जाएंगे। बस स्वरों के कॉम्बिनेशन पर ज्यादा फोकस करना है ताकि हम रेगुलर एक नया क्रिएशन करते रहे। अब बारी आती है 4+2 की। इसको दो इसमें फिर 4+2 में ध्यान दिया आपने कि 4+गापाधानी गारे गारे नी भी, तो गारे गारे नी को ऊपर में भी ले सकते हैं। दूसरा तो और एक खूबसूरती बढ़ जाएगी इसकी। अब बारी आती है 4+3 की। अब 4+4 की बारी। यह श्रृंखला यहां समाप्त होती है। अब इसके बाद आप चाहें तो फिर 1, 2, 3 तीन पीस को एक साथ जोड़ लीजिए। एक नंबर पर है नीरेगा, 2 नंबर पर है गरे गरे नी, 3 नंबर पर है पादानी। तो इस तरह कॉम्बिनेशन आप 3 की कॉम्बिनेशन को करेंगे तो देखिएगा नीरेगा गरे गरे नी पादानी। मुझे यकीन है कि आपने ये लिख लिया होगा, सामने रखा होगा। एक नंबर पर नीरेगा है, दूसरे नंबर पर गरे गरे नी है, तीसरे नंबर पर पाधानी है, चौथे नंबर पर गा पाधानी है। बस आप कॉम्बिनेशन को जोड़ने हैं 1, 2, 3 कॉम्बिनेशन। देखा कितना अच्छा लग रहा। अब 2, 3, 4 को जोड़ते हैं यानी गरे गरे नी पाधानी गा पाधानी। अब 3, 4 और 1 को जोड़ेंगे। 3 पर है हमारे पास पाधानी, 4 पर है गा पाधानी और 1 पर है नीरेगा।
निरेगा को ऊपर और नीचे दोनों ऑप्शन में आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। निरेगा को लोअर ऑक्टेव में लेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब बारी आती है ती चार और एक की बार। तीन चार एक हमने हम लोगों ने किया है जस्ट अभी, तो अब कहते हैं चार एक दो की बारी। इसको फिर से करते हैं लोअर ऑक्टेव में लेकर चार एक दो। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में अब आती है केवल चार का कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक दो तीन चार। इसको एक साथ करना है और एक सांस में करना है, यही इसकी खूबसूरती है कि आपको वन ब्लो वन ब्रेथ करना है। देखिएगा नीरे गे गे नी पाधानी गा पाधानी वन ब्रेथ है। अब आती है दो तीन चार एक, इसको लेंगे यानी दो पर है हमारे पास गरे गरे नी पाधा नी गा पाधा नी नीरेगा। इस बार मैंने आपको एक उदाहरण के लिए दोनों ऑक्टेव में नोट्स जो जहां जहां है, जैसे नीरेगा था तो नीरेगा ऊपर में भी ले लिया और नीरेगा नीचे भी लगा दिया। आप जैसा चाहे एक ही लगाना चाहे ऊपर नीचे कुछ भी लगा लो। अब बारी आती है तीन चार एक दो की बारी। तो तीन पर है हमारे पास पाधा नी, चार पर ग पाधा नी, एक पर नीरेगा और दो पर है गरे गरे। तीन चार एक दो। इसको दूसरे स्टाइल से चार एक दो तीन की बारी। चार पर है गा पाधा नी, एक पर निरेगा, दो पर है गरे गरे नी और तीन पर है पाधा नी। इसको दूसरे स्टाइल से लेते हैं। इस तरह से आप बजाते रहे और स्वरों की श्रृंखला बनती रहेगी ये, तो आप इस तरह से रिलैक्सेशन म्यूजिक बनाइए। हालांकि इसके बारे में मैं बता दूं, ये फ्लैट स्केल में राग मालकोस का आलाप चल रहा था और इस तरह से आप इसे आप रागों का भी नाम दे सकते हैं, राग का भी नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने राग मालकोस पर इसको आधारित करके आपके लिए ये प्रस्तुत किया। और इसे आप सहजता से चार पीस में लिखे, सामने रखे और बस जोड़ते जाइए और बजाते जाइए। लेकिन शर्त यही है एक सांस में एक कॉम्बिनेशन बजेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन आप जोड़े उसको वन ब्रेथ में ही बजाना है और हर कॉम्बिनेशन के बाद तीन से चार सेकंड का रिलैक्सेशन रखना है, ये अनिवार्य है। अदरवाइज आपको बहुत प्रेशर हो जाएगा और म्यूजिक में शांति उत्पन्न नहीं होगी। देन कीप वॉचिंग मी अंजनी कुमार गुप्ता योर फ्लूट प्रमोटर। अपने आइडियाज अपने राय विचार मुझे जरूर शेयर करें मेरे यूट्यूब पर, मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे फेसबुक पर। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी अंजनी कुमार गुप्ता योर फ्लूट प्रमोटर।